आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बेसिन डायमीटर के ऊपर पार्ट फिटिंग कैसे की जाती है। जैसे कि आप यहां सामने देखते होंगे बेसिन डायमीटर लगा हुआ है इसकी बॉडी। अब हम इसके ऊपर के जितने भी पार्ट्स लगते हैं हम ऑल पार्ट्स को यहां पर इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ये वीडियो देखकर मैं उम्मीद के साथ कहता हूँ 14-15 साल का बच्चा भी इस वीडियो को देखकर ये बेसिन डायमीटर के ऊपर पार्ट लगाना सीख जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके बॉक्स में देख लेते हैं क्या क्या करता है। ये आप देख सकते हैं ये बेसिन डायमीटर के ऊपर पार्ट है। ये 2 इनलेट वाला बेसिन डायमीटर है जैगुआर कंपनी का। यह आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इसकी प्लेट रही और इसकी ये गोल कैप, ये PVC कैप है इसकी जो उसकी पीछे लगाई जाती है। आप लगा भी सकते हैं नहीं लगा सकते हैं। और ये इसकी कटोरी जो कि वहाँ पर लगेगी। और ये इसका स्पोर्ट है। और ये इसका हैंडल। और बाकी इसमें ये 3 हमको एलंकी की जरूरत पड़ेगी तो ये 3 एलंकी कंपनी वालों ने साथ में ही दिए इसके। तो सबसे पहले हम इसकी कटोरी को लगाते हैं। यहाँ पर ये पूरी बैंड नहीं पा रही है तो हमको क्या करना है इसमें इसके अंदर का जो मसाला देख रहे हैं आप चार तरफा वो उसको साफ करना है पेचकस की सहायता से। तो हम इसको साफ कर लेते हैं। हमने इसका जो भी मसाला था इसका चार तरफा इसको साफ कर लिया है। अब हम इसको लगा के देखते हैं हमारी कटोरी चढ़ रही है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी कटोरी पूरी बैठ चुकी है। कटोरी हमारी यहाँ पे लग चुकी है। अब लगाएंगे हम स्पोर्ट को। स्पोर्ट का पहले हम यहाँ से नट खोल लेते हैं यहाँ से एलंकी की सहायता से इसकी थ्रेड खोलकर उसमें चढ़ाएंगे। अब हम इसमें चढ़ा कर देख लेते हैं इसको कि हमें काटना पड़ेगा या गड़ाना पड़ेगा इसको। हमारी थ्रेड यहाँ पर चढ़ चुकी है। अब लगाएंगे हम की कैप को और कैप लगा कर देखेंगे कि बाहर तो नहीं निकल रही है हमको काटना पड़ेगा या वो कि नहीं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारा इसमें गैप आ रहा है लगभग 3 फुट का यहाँ पर स्पेस है। तो हमको यहाँ पर ये उतना ही हमको इसकी थ्रेड काटनी पड़ेगी। तो चलिए पहले हम इसको काट लेते हैं फिर लगाते हैं इसको। यहाँ पर हमारी थ्रेड कट चुकी है। अब हम इसमें टेप एंड टेप लगाएंगे और उसमें पक्का लगा देंगे। हमारे यहाँ पर टेप एंड टेप लग चुका है। अब हम इसमें टाइट कर देंगे। हमारा यहाँ पर ये टाइट हो चुका है। अब पहले हम इसको इसकी कैप लगा कर देख लेते हैं कि चिपक रही है कि बाहर रह रही है। उसी साथ है हम टाइट इसको मार देंगे। अगर और टाइट होने का होगा तो और टाइट कर देंगे नहीं तो यहीं पे रोक देंगे। तो यहाँ पर हमारी ये कैप बिल्कुल चिपक गई है। ये इसने टाइल वाले ने ये लगा रखा है थोड़ा ये बाहर है 1 फुट लगभग। तो इसकी वजह से थोड़ी सी ये हमारी कैप बाहर दिख रही है। हम इस टाइल की पत्ती को काटने की कोशिश करते हैं। अगर ये हमसे कट जाती है तो ठीक है अभी इसको हम चिपका देंगे। हमने यहाँ पर दोस्तों ये पत्ती पीस काट दिए सिलेंडर की सहायता से। अब हम इसकी कैप को यहाँ पर लगा कर देखते हैं क्या हमारी कैप इसकी जो
क्या भैया ये चिपकती है नहीं चिपकती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बिल्कुल हमारी बिल्कुल टेल से चिपक गई है। तो हम इसके अब इसके लगा लेते हैं इसका स्पॉट। हमें बिल्कुल इसको सीधा रखना है और एलिंग किसी नट को चढ़ा देना है अच्छे से। तो यहाँ पर हमारा स्पॉट का ये नट देखते हुए आप नीचे वाला वो हमने एलिंग की सहायता से टाइट कर दिया है। तो अब इसका हम लगाते हैं इसका ये हैंडल। आप इसमें ये एक छोटा सा नट होता है वो देख लूँगा, इसको नट को हाथ का ढीला कर लेना है ताकि ये इसके अंदर ना हो, इसके नीचे नीचे हो तभी ये इसमें फंस पाएगा। तो हम यहाँ पर फंसा लेते हैं पहले इसमें और फिर इसको टाइट कर देंगे। और यहाँ पर हमारा ये हैंडल इसको फंस चुका है और ये अच्छे से काम कर रहा है यहाँ। तो हम इसको एलन की सहायता से इसको नट को टाइट कर लेते हैं नीचे से। तो यहाँ पर हमारा ये नट बिल्कुल टाइट हो चुका है और इसमें एक रबड़ दी जाती है छोटी सी, वो रबड़ भी हमने नीचे लगा दिया है। यहाँ पर हमने इसमें पानी स्टार्ट कर दिया है। तो अब इनको चेक करके देख लेते हैं कहीं से ठीक ठाक काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ से इसको उठाएंगे हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हॉट वाटर टैंक वाटर हमारा मिक्स होकर आता है और लेफ्ट साइड में कर देंगे तो सिर्फ इसमें हॉट वाटर आएगा और राइट साइड में पूरा घुमा देंगे तो टैंक वाटर आएगा और बीच में सेंटर में कर देंगे तो हॉट वाटर और टैंक वाटर दोनों मिक्स होकर आता है। दोस्तों यहाँ पर अभी टेबल टॉप काउंटर वॉश बेसिन बनेगा पत्थर का, ग्रेनाइट पत्थर का। इसके नीचे की जो फिर वॉश बेसिन लगेगा तो हम इसके नीचे की भी फिर वीडियो बनाकर आपको यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। तो यार दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। अगर आप हमारी इस वीडियो पहली बार आए हैं तो प्लम्बर हेल्पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम यूट्यूब पर अपलोड करते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।